हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री. वी आर गोइंग टू स्टडी सम ट्रिक्स फॉर द ऑल द चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री. आइए देखते हैं कि कुछ कंसेप्ट हम जानेंगे, कुछ ट्रिक जानेंगे, जिससे जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10th के, वो सभी के सभी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा अगर हम इसे समझ लेंगे तो. तो आज बच्चों आपके लिए हम जो आज देने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए, क्लास 10th की केमिस्ट्री बहुत इजी करने जा रहे हैं. अगर इसको आज आप देख लेते हो, आप पढ़ लेते हो, तो निश्चित ही आप कहेंगे कि सर हमारी केमिस्ट्री जो है क्लास 10th की, रियली इट इज़ वेरी वेरी इजी. तो आज आइए हम ट्रिक की बात करेंगे और उसी ट्रिक पे सारे चैप्टर्स क्या होंगे आपके डिपेंड्स करेंगे. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और वो भी किसके लिए, क्लास 10th के लिए, तो हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जैसे अगर हम एक इमेजिन करें कि आपको अगर कह दिया जाए, आपको बताया जाए कि जैसे इस घर में 10 लोग रहते हैं. बेटा आपको अगर ये बताया जाए कि इस घर में 10 लोग रहते हैं, तो आपको ये मालूम है कि 10 लोग तो हैं, लेकिन साथ साथ हमको ये भी जानना है कि उस घर में 10 लोग रहने का मतलब उस घर में क्या है, रूम्स होते हैं कि नहीं. किसी भी घर में क्या होते हैं, रूम्स होते हैं. हाँ, रूम्स एक होगा, दो होगा, चार होगा, कुछ कुछ छोटा होगा, कुछ बड़ा होगा, लेकिन होंगे. तो बेटा अभी तक आप जो पढ़े हो, 9th तक जो पढ़े हो, आपको यही बताया गया कि इस घर में इतने लोग रहते हैं. वेरी केयरफुली ध्यान दीजिएगा बेटा कि इस घर में इतने लोग रहते हैं. लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो गए, 10th में आ गए, तो आपको पता चला कि इस घर में रूम्स भी हैं, कुछ रूम्स छोटे हैं, कुछ रूम्स बड़े हैं, और उसमें लोग रहते हैं. हम बोलते तो हैं लोग घर में रहते हैं, लेकिन रियल में कहाँ रहते हैं, सभी का अपना अपना क्या होता है, रूम होता है. तो आज इसी की बात हम करने जा रहे हैं बेटा. इस पे हम लोग अगर 10th की केमिस्ट्री हमें जाननी है, अगर 10th की केमिस्ट्री हम चाहते हैं कि 100% करके आएं, एक भी क्वेश्चन मेरा गलत ना हो, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना होगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, अगर आपको आ गई, तो आप कह सकते हैं कि सर हमें 10th की पूरी केमिस्ट्री आ गई. चाहे वो चैप्टर आपका पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्यों ना हो, एसिड बेस एंड साल्ट क्यों ना हो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्यों ना हो, पीरियोडिक टेबल क्यों ना हो, एंड कार्बन कंपाउंड्स क्यों ना, कोई भी चैप्टर हो बेटा. आपको पता है कि आपके कोर्स में 5 चैप्टर्स रखे गए हैं केमिस्ट्री के. लेकिन अगर ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, तो निश्चित ही आप कहेंगे कि सर हमें तो 10th की पूरी केमिस्ट्री आ गई है. और इसी को पढ़ करके, इसी कंसेप्ट को लेकर के, इसी को ट्रिक लेकर के, कुछ बच्चे हमारे जो है साइंस में हर बार 100 out of 100 गेन करते हैं, और सबसे पहले वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं. तो मैं ये चाहता हूँ कि आज आइए हमारे साथ आप क्लास 10th की केमिस्ट्री देखें, और आप भी कहेंगे कि नहीं, सबसे पहले हम केमिस्ट्री ही करेंगे जब हम साइंस का पेपर देंगे. तो बच्चों 10th के लिए आज हमने ये आपके लिए बनाया है. आइए देखते हैं. अगर हम जैसे बात किए थे कि अगर ये एटम है बेटा, एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, सेल होता है. पता है बेटा आपको कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, सेल होता है. ये हम पढ़ते आए हैं बेटा. इसको हम नाम भी देते थे, के एल एम एन, ऐसे नाम भी देते थे, ठीक है. लेकिन ये नहीं जानते थे कि सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे रूम्स हैं,
जिसको अभी आपको हमने बताया कि बेटा घर होता है, आप बोलते हो कि इस घर में 10 लोग रहते हैं, लेकिन एक्चुअल कहाँ रहते हैं? वो एक्चुअल में रहते हैं रूम्स में। उस रूम्स की बात हम यहाँ पे करेंगे और उस रूम्स को जान जाएंगे बेटा। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि रूम्स में कितने लोग रह रहे हैं, कौन कौन से रूम हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही होगा, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि वो आपको सोचने के लिए नहीं छोड़ेगा। जैसे आप सोचते हो कि 2 रखें, 8 रखें, क्या रखें, पता चला कि Fe26 का आ गया, आयरन का आ गया, तो 2-8 रख करके बोल के शांत हो जाते हैं कि सर क्या रखें, 2-8-8, 2-8-18 ऐसा बोलना शुरू करते हैं। ये सारी कमियां, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि रूम्स में लोग रहते हैं। यानी बेटा यहाँ हम रूम्स को कहना क्या चाह रहे हैं, रूम्स को यहाँ पे हम ऑर्बिटल कहते हैं। क्या बेटा? ऑर्बिटल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सेल में घूमता है, जो आपने पढ़ा या जाना, क्लास 8th में भी जाना, 9th में भी जाना, अब आप बोलेंगे कि उस सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑर्बिटल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। उस ऑर्बिटल को हम क्या समझे हैं, रूम्स समझे हैं। जैसे घर है, घर को हमने क्या बोला, सेल बोला या ऑर्बिट बोलेंगे। और बेटा उस घर के अंदर जो रूम्स, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। तो ये दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई कि सेल क्या होता है या ऑर्बिट उसको बोलते हैं, और उसके अंदर जो रूम्स हैं यानी ऑर्बिटल्स क्या हैं, अगर ये जो दोनों जान गए आप, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बहुत ही आसान होगा। बेटा 10th लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम बच्चों को आता है, वो कंफर्म नहीं कर पाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो 2n² से पढ़ लेते हैं और सो कह बोला जाता है उनसे कि देखो 10th लेवल के लिए यही है। लेकिन एक्चुअल में आपको इस बात को जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑर्बिटल के साथ आना चाहिए। जो ऑर्बिटल्स है उसके साथ अगर आप सीख रहे हैं तो गलत होने का कोई चांस नहीं होगा। और अगर बच्चों आप NTSC ओलंपियाड अगर ज्वाइन कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं बेटा, तो उससे काम नहीं चलेगा जो सिंपली आप पढ़ लेते हो। ये जो ट्रिक बताने जा रहे हैं बेटा, ये आपके लिए काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। चाहे किसी भी कंपटीशन में बैठोगे, गलत होने का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि इससे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चल जाएगा कि किस पे कितना चार्ज है, कौन कैटायन है, कौन एनायन है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कितना इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में है, ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। और बेटा जब ये बात अगर आप जान जाओगे तो जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बिल्कुल आसान आपके लिए हो जाएगा। मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड बेस, सब कुछ इसी पे डिपेंड है। तो आप कह सकते हैं, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान गए तो आप कह दोगे कि एक लाइन में हम ख़त्म कर देंगे पूरे 10th की केमिस्ट्री। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया जिससे आपको बता रहे हैं, तो आप कह दोगे कि पूरा चैप्टर हम चुटकी में समाप्त करने का दावा रखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो ये सेल है बेटा, ये सेल है, और इस सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रूम्स है। ध्यान दीजिएगा, रूम्स की बात कर रहे हैं, घर है और घर के अंदर क्या है, रूम्स है। तो वैसे ही ये क्या है बेटा, सेल है। ये क्या है, सेल है, या इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिट बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसे हम याद रखेंगे। तो चलिए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल आप समझ गए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल समझ गए। ऑर्बिट क्या है बेटा, ऑर्बिट हम बोलेंगे कि सर किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं या सेल बोलते हैं। क्लियर है? दूसरा, ऑर्बिटल की बात अगर आ गई, ऑर्बिटल की बात आ गई कि सर ऑर्बिटल क्या है, तो एक तो कंसेप्ट बना हुआ दिमाग में कि सर ने बताया था कि सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और एक्चुअली
इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स में होते हैं। जैसे आपने कहा कि घर के अंदर रूम्स में लोग रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी लोग कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिटल्स में रहता है। तो ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करेंगे ऑर्बिटल्स को, तो बेटा एक आपको एग्जांपल दें ऑर्बिटल्स का क्या कंडीशन है। जैसे एक गुड़ ले लो, गुड़ आपने देखा होगा, यू हैव सीन गुड़ देखा होगा बेटा। और गुड़ की तरफ क्या होता है, गुड़ के चारों तरफ आपको मक्खियां भिन भिनाती हुई भी दिखी होंगी। जैसे मक्खियां गुड़ के चारों तरफ भिन भिनाती हैं, घूमती रहती हैं बेटा, उसी तरह से ऑर्बिटल का कंडीशन है। बिल्कुल याद रहेगा आपको, ऑर्बिटल का कंडीशन है जैसे गुड़ को बता रहे हैं, उसी प्रकार जो गुड़ है बेटा यहाँ पे एटम में न्यूक्लियस काम करता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसी तरह से घूमते हैं जैसे गुड़ के चारों तरफ मक्खियाँ घूमती हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे ऑर्बिटल को, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज ऑर्बिटल। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो बेटा आपको 10th की केमिस्ट्री समझने के लिए ऑर्बिट और ऑर्बिटल समझ में आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुरंत आ जाएगा। समझ में आ गया ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, क्लियर है ऑर्बिट क्या है। आइए ऑर्बिट को जरा हम लिख लेते हैं कि ऑर्बिट क्या है, नोट कर लो बेटा। ऑर्बिट की बात हम लोग करने जा रहे हैं कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट को तो ऑर्बिट को डिफाइन करना है कैसे कहेंगे, द सर्कुलर पाथ, द सर्कुलर पाथ अराउंड द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज नोन एज ऑर्बिट दिखा भी दीजिए। ये बेटा न्यूक्लियस हो गया, एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये आपको जो सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो पाथ दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे कि सर ये क्या है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट है या सेल है। इट इज क्लियर और नॉट क्लियर, ऑर्बिट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि सर ऑर्बिट क्या है। न्यूक्लियस किसी भी एटम में देखो, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। और ऑर्बिट को कैसे दिखाते हो बेटा, ऑर्बिट को कैसे दिखाते हो, सेल को कैसे दिखाते हो, के से, एल से, एम से और एन से, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। तो ऑर्बिट क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल दिमाग में कंसेप्ट बना लेना है बेटा, आप 10th के स्टूडेंट हो, दिमाग में बिल्कुल कंसेप्ट बना लेना है ऑर्बिट या सेल क्या होता है, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अब आइए इस ऑर्बिट के अंदर यानी घर के अंदर, याद रखेंगे बेटा ऑर्बिट के अंदर यानी घर के अंदर, घर के अंदर क्या होते हैं, रूम्स होते हैं, रूम्स होते हैं घर के अंदर, रूम्स। और सेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर क्या, ऑर्बिटल्स। तो आइए ऑर्बिटल की बात करें कि ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, तो हेडिंग डाल दो बेटा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल है ना बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज,
ऑर्बिटल इज नोन एज ऑर्बिटल। याद हो गया बेटा, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां अधिक होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं बेटा। ऑर्बिटल याद रखेंगे कि जो आपको एग्जांपल दिया कि गुड़ वाला, जो ही ऑर्बिटल का नाम आए बेटा आप सीधे गुड़ पे जाओ कि गुड़ पे मक्खियां कैसे घूमती रहती हैं, वैसे ही ऑर्बिटल होता है। कैसे इसका फिगर देंगे बेटा, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाएंगे, जस्ट लाइक द फ्लाइज, मक्खियों की तरह यहाँ पे ऐसा होगा। तो ये बेटा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये चारों तरफ क्या है उसके इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल। चलो बेटा, ऑर्बिटल समझ में आपको आ गया कि ऑर्बिटल क्या है। तो चलिए, ऑर्बिटल को हम लोग किससे कंपेयर किए थे, ऑर्बिटल को हम लोग कंपेयर किए थे बेटा रूम से। अच्छा एक बात बताओ, जो घर में रूम्स होते हैं क्या सभी रूम्स बराबर होते हैं? नहीं, सिंपल सी बात है बेटा, कुछ घर छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, है ना, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। अच्छा ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि कोई घर है तो उसमें नंबर ऑफ रूम्स फिक्स हो, नो, किसी में एक है किसी में दो है किसी में चार है किसी में दस है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा यहां याद रखना है कि जो सेल नाम का आपके पास घर है, जो होम है, उसके अंदर चार रूम्स होते हैं। याद रखना बेटा, देयर आर फोर रूम्स इन दैट सेल, इस सेल में फोर रूम्स होते हैं बेटा, चार रूम्स होते हैं। कौन कौन, आइए देखते हैं। पहला जो रूम्स है उसका नाम है बेटा, उसका नाम है पहले रूम्स का एस ऑर्बिटल। छोटा सा रूम है बेटा, एस ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल मीन्स रूम्स, भूलिएगा नहीं, ऑर्बिटल मीन्स रूम्स। तो छोटा सा जो रूम है, एस जो रूम है वो छोटा सा रूम है, इतना छोटा है बेटा कि उसमें केवल दो लोग रह सकते हैं। एस नाम का जो रूम है उसमें केवल दो लोग रह सकते हैं, दो से अधिक नहीं रह सकते, याद रखिएगा, कम रह सकते हैं। अगर मान लो बेटा कोई रूम हो जिसमें दो लोगों को रहने के लिए जगह हो और एक ही आदमी आपके पास है तब तो आराम से रह लेगा, लेकिन तीन नहीं रह सकता, ये याद रखना बेटा, क्लियर है? तो आइए देखते हैं, यहां पे एस ऑर्बिटल में दो लोग रह सकते हैं, याद रखिएगा बेटा, एस ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हम रह सकते हैं क्योंकि छोटा सा रूम है। दूसरा जो रूम आता है उसका नाम है पी, और पी थोड़ा सा बड़ा रूम है, इससे एस से बड़ा रूम है, इसमें सिक्स लोग रह सकते हैं। कितने लोग रह सकते हैं बेटा, सिक्स लोग, क्योंकि पी एस से थोड़ा सा बड़ा रूम है। तीसरा जो रूम है जिसको हम ऑर्बिटल कह रहे हैं बेटा, वो होता है डी ऑर्बिटल, और ये इससे काफी बड़ा है, इसमें 10 लोग रह सकते हैं, देयर कैन लिव 10 persons, 10 लोग इसमें रह सकते हैं। और फोर्थ है बेटा, ये एफ होता है और इसमें 14 लोग रह सकते हैं, 14 लोग। तो चार रूम्स हैं बेटा, याद रखिएगा, जिस सेल की बात कर रहे हैं KLMNOP की, उसमें ये रूम्स होते हैं, एस रूम, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है बेटा, हमने आपसे पहले ही बोला कि जो घर है कोई जरूरी नहीं है कि उसमें 10 रूम ही हो, कोई जरूरी नहीं है उसमें 2 रूम भी हो, यानी दो रूम ही हो, कुछ भी हो सकता है, 1 रूम का भी घर होता है, 2 रूम का भी घर होता है, 8 रूम का भी घर होता है। तो बेटा उसी तरह से जो आपके घर हैं, घर बोले तो सेल हैं, कौन कौन, KLMNOPQ, ये लोग घर हैं, इस घर में
क्या देखना है कि किस घर में कितने रूम हो सकते हैं, ये भी हमको यहाँ से पता चलेगा। कि जैसे बेटा के है, के जो घर है सबसे छोटा घर है, उसमें रूम्स क्या होंगे, कम होंगे। रूम्स मीन्स ऑर्बिटल, उसमें ऑर्बिटल क्या होंगे, कम होंगे। फिलहाल अभी आप ये समझ गए कि ये चार रूम हो सकते हैं, कौन कौन, एस पी डी और एफ। एस छोटा सा रूम है, दो लोग, पी उससे बड़ा रूम है, 6 लोग, डी उससे बड़ा है, 10 लोग, और एफ सबसे बड़ा है, 14 लोग। अब हमें देखना है बेटा, ये तो बात हमें समझ में आ गई कि ऑर्बिट क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस भी आ गया। अभी तक हम 8th-9th तक बेटा ऑर्बिट को पढ़ते आ रहे थे, सेल को पढ़ते आ रहे थे, लेकिन ऑर्बिटल के बारे में जानकारी हमें नहीं थी। लेकिन अब 10th में आ गए हैं, 10th की केमिस्ट्री को अगर बिल्कुल हल्का करना है, बिल्कुल ईजी करना है, तो इस ऑर्बिटल को आपको जानना होगा। और ऑर्बिटल आप जान गए कि एस पी डी एफ चार ऑर्बिटल्स होते हैं, और इस ऑर्बिटल को क्या नाम दिया, इस ऑर्बिटल को रूम्स दिया। ठीक वैसे ही जैसे घर में रूम्स होते हैं, वैसे ही सेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। सेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। अब आइए, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही बेटा सब कुछ डिपेंड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ गया बेटा, तो उससे आप सब कुछ निकाल सकते हो, वैलेंसी कितनी होगी, मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, एसिड होगा कि बेस होगा, जो भी क्राइटेरिया चाहोगे बेटा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिल जाएगा। पहला आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जब उसको हम कराने जाएंगे, किसी भी रिएक्शन को कराने जाएंगे बेटा, तो सबसे पहले हमको यही देखना होगा कि किस पे कितना चार्ज है और कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का भी यहाँ से पता चल जाएगा, उसे हम वैलेंसी ही कहते हैं। और वैलेंसी जानते हो बेटा, केमिस्ट्री बनी क्यों, वैलेंसी को ही लेके बनी। आप सुनते आ रहे हो, क्लास 8 से सुनते आ रहे हो कि केमिस्ट्री किसके लिए बनी, वैलेंसी किससे बनी, वैलेंसी से बनी बेटा। वैलेंसी ही सारा काम यहाँ पे करता है। सारे एटम यही चाहते हैं कि हमारे आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिसे हम बोलते हैं क्या, ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो दुनिया का हर एक आदमी स्टेबल होना चाहता है बेटा, हर आदमी, चाहे वो लिविंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग्स हो, हर लोग स्टेबिलिटी चाहता है। और यहाँ पे एटम जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स, लेकिन आपको इतने नहीं जानने हैं, आपको केवल 30 जानना है, केवल 30, 1 to 30 एलिमेंट्स। यानी 1 की बात करें बेटा तो किसका, हाइड्रोजन का नाम लेंगे, और 30 का नाम ले तो किसका, जिंक का नाम लेंगे, किसका लेंगे, ZN का नाम लेंगे। तो बेटा अगर ZN तक आपका तैयार है, एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल आपको याद ही रहना चाहिए, अगर एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन आई होप अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो 9th में ही याद कर लिए होंगे, 9th में ही याद कर लिए होंगे कि 30 तक तो सिंपली बच्चों को याद रहता है। तो अगर 30 तक याद कर लेंगे बेटा, 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान जाएंगे 30 तक, तो क्लियर है केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इजी फॉर यू, प्रॉमिस। ये आपसे प्रॉमिस है। आप कहेंगे कि सर रियली में 10th की केमिस्ट्री में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसको जान जाएंगे तब। आइए देखते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा एक ट्रिक जानना है, थोड़ा सा है ना, वहाँ पे हमें एक रूल जानना है, ऑफ बाउ रूल। लेकिन आपको इस रूल से मतलब नहीं है, नाम भी नहीं याद करना है, क्योंकि आपसे कहीं इसकी जिक्र नहीं होगी कि बताओ आप बाउ रूल क्या होता है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस आप ये जानते रहो कि आप बाउ रूल है, आप बाउ रूल जो है, आप बाउ लग रहा है कि किसी साइंटिस्ट का नाम है, नहीं, आप बाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है,
Abbau is a German word. German word है जिसका मतलब होता है building up, बनाना, है बेटा, तैयार करना. तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी रूल से जानेंगे, लेकिन रूल के बारे में नहीं जानना, बस थोड़ा सा ये ट्रिक उनको जानिए, आप जानिए और अपना काम चल जाएगा. आइए देखते हैं क्या करेंगे बेटा. सबसे पहले हम थोड़ा सा स्फीयर ये बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 हम बना लेंगे. इसके बाद यहाँ पे पहला हो गया है ना, यहाँ से एक बार फिर से बना देते हैं, एक बार फिर से. ये हो गया बेटा 1, ये 2, ये 3 और ये 4. इसके बाद क्या करना है, एक को छोड़ दीजिए बेटा, यहाँ से बना दीजिए 1, 2 और ये 3. फिर एक छोड़ दीजिए बेटा, यहाँ बना लीजिए 1 और ये 2. फिर एक छोड़ दीजिए, फिर एक छोड़ दीजिए, एक यहाँ बना दीजिए, दिस वन. ये 4 लाइनें बनाया बेटा. क्यों? पता है कि सर जो सेल्स है ना, उनमें 4 ही रूम हो सकते हैं, 4 तरह के ही रूम हो सकते हैं. कौन कौन? पहला एस रूम यानी एस आर्बिटल, दूसरा पी रूम यानी पी आर्बिटल, तीसरा डी यानी डी आर्बिटल और फोर्थ वन व्हाट, एफ आर्बिटल, जो सबसे बड़ा रूम्स है. कितने इलेक्ट्रॉन उसमें आते हैं? 14. तो बेटा यहां जो हमने लिखा है, इस पहले में क्या लिखेंगे, जो एस आर्बिटल है, जो पहला रूम्स है, उसको हम भरेंगे. कैसे? देखिए यहां पे लिखेंगे बेटा 1s, यहां लिखेंगे 2s, यहां लिखेंगे 3s और यहां लिखेंगे 4s. पहला रूम्स हो गया, पहला आर्बिटल जो है वो हो गया. दूसरा आएंगे बेटा, दो सेकेंड नंबर पे क्या था, सेकेंड नंबर पे P था, तो यहां पे सेकेंड लिखो बेटा, सेकेंड P, सेकेंड P है, यहां सेकेंड नंबर से स्टार्ट किए हैं, तो क्या लिखेंगे अब यहां पे, सेकेंड P लिख दिया, 2P हो गया. यहां पे क्या लिखेंगे, 3P लिखेंगे. यहां पे क्या लिखेंगे, 4P लिखेंगे. ये कहां से स्टार्ट हुआ बेटा, तीसरे नंबर से, थर्ड नंबर से, और थर्ड आपका आर्बिटल क्या था, डी, तो यहां क्या लिखेंगे, 3D, यहां क्या लिखेंगे, 4D, और पांचवा कौन सा आपका, फोर्थ वाला, सॉरी पांचवा नहीं, फोर्थ वाला आर्बिटल कौन था, फोर वाला आर्बिटल जो था वो था F, और क्या नाम था उसका, 4F. इतनी सी बात याद करनी है, ये तो याद ही हो गया. क्या करना है, 4 स्फीयर बना लीजिए, 1s, 2s, 3s और 4s. इसके बाद यहां सेकेंड नंबर पे क्या आता है, P, तो सेकेंड P यानी 2p, 3p एंड 4p, 3d, 4d हो गया, और ये 4, क्यों, फोर्थ नंबर पे हमारा F है. अब क्या करना है बेटा, जरा ध्यान से देखो, इनको ऐसे कट करना है, ऐसे ऐसे कट करना है, फिर ऐसे कट करना है इसको, फिर इसको ऐसे कट करना है, और फिर इसको ऐसे कट करना है, और फिर इसे ऐसे कट करना है, और फिर इसे ऐसे कट करना है, ऐसे करना है बेटा. कट कर लेंगे आप, कट कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे यार. सोच रहे होगे कि अरे यार सर तो अभी लिखवाए हैं, लिखवाने के बाद कट भी करवा दिया. हाँ, कट कर दिया हम, अब करना क्या है, इस कट में ट्रिक क्या है बेटा, हमको यहाँ से चलना है, यहाँ से रास्ता बनाना है. ऐसे चलेंगे बेटा, और ऐसे चलेंगे, और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, फिर ऐसे चलेंगे, और यहाँ से कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, और कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, यहाँ आएंगे ऐसे, और कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, फिर यहाँ से चलेंगे बेटा, और कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, यहाँ से चलेंगे, कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे. चलो, इससे क्या मिला हमें, मिला क्या, मिला ये कि सर सबसे पहला जो आएगा वो 1s आएगा, जो पहला आर्बिटल आएगा बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहने के लिए जाएगा, वो किस में जाएगा, जो 1s में. अच्छा, 1s के बाद ऐसे चलो, फिर क्या आया, 2s आया, 2s के बाद देखो जरा पीछे जाओ, यहां से कहां जाना है, पीछे, तो 2s के बाद क्या आया, 2p आया, 2p के बाद क्या आया, देखिए जरा यहाँ पे, 2p के बाद क्या आया, 3s आया, 3s लिख दीजिए यहाँ पे, 3s के बाद क्या आया बेटा, यहाँ से
3p आया तो 3p लिख दीजिए, 3p के बाद क्या आया, 4s आ गया, 4s आ गया, 4s के बाद जाइए कहां जाएंगे, पीछे जाना है बेटा, 4s के बाद क्या आ गया, 3d आ गया, 3d के बाद क्या आ गया, 4p आ गया। लेकिन आपका काम यहीं तक चल जाएगा, आप केवल 3D तक याद रखो बेटा, 3D तक। अभी जो हम आपसे बात कर रहे थे कि सिर्फ ये एक लाइन आपकी पूरी 10th केमिस्ट्री को इजी कर देगी, पूरी 10th केमिस्ट्री को बहुत इजी कर देगी, तो ये बस हमें ये लाइन याद करना है। तो बेटा ये जो बनाया सर्किल वो आपकी सुविधा के लिए बनाया कि जल्दी से आपको अगर कहीं कंफ्यूज हो गया, अगर आपने इसको याद किया कहीं भूल गया तो आप क्या करेंगे, इसको बना के, क्योंकि बहुत इजी है, इसको बना के क्या करेंगे, इसे तैयार कर लेंगे कि पहले क्या होगा, 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3D। नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए, देखिए अभी मजा आएगा, मजा आएगा केमिस्ट्री में। नोट कर लिया, नोट कर लिया, आइए देखते हैं। चलिए अब जो है हम ये देखेंगे कि क्या इसका यूज है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बस इसी का यूज है बेटा। अगर ये लाइन से आपको याद हो गया और साथ साथ ये भी याद है कि एस सबसेल, एस आर्बिटल, एस रूम जो है उसमें कितने लोग रह सकते हैं, 2 लोग, ये नहीं भूलना है बेटा। जो दूसरा रूम है पी, कितने लोग, मैक्सिमम कितने लोग, 6 लोग। और जो तीसरा आपका है थर्ड डी, मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, 10। और एफ तो आया नहीं, क्योंकि अगर हम आगे और लेते 30 के आगे जाते तो काम चलता, और हम ले लेंगे वहां से अगर जरूरत पड़ेगी तब, लेकिन 10th में 30 के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहीं तक आप कर लेते हो तो कह सकते हो कि 10th की केमिस्ट्री इज इन माई पॉकेट, हमारे पॉकेट में है, अगर ये लाइन है हो गई तो। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम बात कर लें बेटा, अगर हम बात कर लें पहले, चलो हाइड्रोजन की ही बात कर लें, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। तो यहां से चलेंगे 1s को पहले हम लेंगे 1s, लेकिन 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 आ सकते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास यहां एक ही है, इसलिए यहां पे 1 भरेंगे, 1 ही यहां पे फिलअप करेंगे बेटा। तो ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1, यानी पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 होगा, और उस सेल का नाम क्या होगा, उस सेल का नाम होगा के। अगर आपसे पूछा जाएगा कि के सेल जो है, जो के नाम का घर है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है। दूसरी बात, अगर इसका पूछा जाएगा कि वैलेंसी बता दो क्या होगा, तो वैलेंसी भी बेटा इसका 1 होगा, वैलेंसी भी क्या होगा, 1 होगा। याद रखना है, अगर इस आउटर, इसमें एक ही सेल है बेटा, तो आउटर यही हो गया, आउटर सेल, आउटर सेल क्या होता है बेटा, जैसे अगर ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये सेल है, तो इसका ये आउटर हो गया, अगर हमने ये बना दिया तो ये इसका आउटर हो गया, अगर एक ही है बेटा, अगर एक ही है तो यही इसका आउटर हो जाएगा, दिस वन द आउटर। तो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है कितना, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो उसकी बैलेंसी हो जाएगी, और वो भी किस में, किस में, पॉजिटिव में। याद रखना, हालांकि वैलेंसी के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगाते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, वैलेंसी के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव का हम यूज नहीं करते बेटा। किसी की बैलेंसी बतानी है तो हम +1 नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा, -1 नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, बैलेंसी हम जब भी बोलेंगे विदाउट चार्ज बोलेंगे, लेकिन ये बात हम मन में रखेंगे कि अगर कहीं आउटर सेल में 1, 2, 3 या 4 आ रहा है, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। 4 वाला तो बिल्कुल मिडिल में आ जाता है, आप निकालना क्या, वहां कह सकते हैं कि सर वो शेयर करना चाहता है। तो निकालने वाला मेनली आपको जो है वो कितना बोलेंगे, 1, 2, 3, और वही उसकी क्या हो जाएगी, बैलेंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वैलेंसी। और उसी वैलेंसी से जिसके आउटर सेल में 1, 2, 3 रहेगा, वो बैलेंसी क्या बना देगा,
कैटायन बना देगा उसको, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वन पॉजिटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और क्या बन जाएगा, कैटायन। तो अगर H की बात करें बेटा तो वैलेंसी कितनी हो गई, वन हो गई, वैलेंसी कितनी हो गई, वन हो गई। और अगर इसलिए H पे चार्ज पूछा जाता है, H पे चार्ज पूछा जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि सर H पे वन प्लस होता है, H पे क्या होता है, वन प्लस होता है। हालांकि H में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में होगा, कंफ्यूज होंगे कि सर ये मेटल है कि नॉन मेटल है, जिस पे पॉजिटिव आता है बेटा उसको हम मेटल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। लेकिन हाइड्रोजन जो है थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया रखता है, थोड़ा सा दो दो ग्रुप का करेक्टर रखता है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। हम मेनली इसको नॉन मेटल कहीं मान करके चलते हैं। चलिए दूसरे एटम की बात करें बेटा, हम दूसरे एटम की बात करें, जैसे मान लीजिए हम सोडियम की बात करें, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर तो याद करना है बेटा, एटॉमिक नंबर आपको याद करना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको 30 तक याद है तभी काम चलेगा। तो अगर हम सोडियम की बात करें बेटा, यहां से चलेंगे, ध्यान देखिए, यहां से चलेंगे क्या होगा, पहले क्या लिखना है, 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दीजिए। यहां क्या है, 2s, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दीजिए। क्यों 2, क्योंकि s में 2 होता है, s ऐसा रूम है जिसमें केवल 2 लोग रह सकते हैं। इसके बाद क्या है, 2p, पी बड़ा रूम है, कितने लोग, 6 लोग। दूसरा जो है इसके आगे जो है बेटा वो क्या है, 3s है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या, देखिए बेटा एटॉमिक नंबर कितना, 11, तो हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ते रहेंगे, ये 2 हो गया और ये 2 कितना हो गया, 4, और ये 6 कितना हो गया, 10। S में 2 भरने की जगह होती है बेटा, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहां पे हम 2 ना लिख के क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो बेटा ये 1 लिखा है, 1 मींस क्या, फर्स्ट सेल जिसको हम क्या बोलते हैं, के कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड लिखा, ये भी सेकंड लिखा बेटा, इन दोनों को साथ में ले लेंगे, 6 और 2 कितना हो गया, 6 और 2 8 हो गया बेटा, जिसका नाम क्या है, L, और थर्ड ये है कितना हो गया, 1 हो गया। तो M में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, K में 2, L में 8 और M में 1। बेटा अगर इसके हम वैलेंसी की बात कर दें कि इसकी वैलेंसी कितनी है, तो 1, और 1 का क्या मतलब बोले थे कि जिसके पास आउटर सेल, दिस वन द आउटर सेल, थर्ड सेल इज द आउटर सेल, तो यहाँ पे जो आउटर सेल है अगर उसमें 1, 2, 3 आता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और क्या बना देता है, कैटायन बन जाता है। तो वैलेंसी, और इसलिए आप सोडियम पे क्या पाते हैं, 1+ पाते हैं। सोडियम को जहां देखेंगे बेटा वहां पे क्या होगा, 1+ होगा। और मेटल की नॉन मेटल, तीसरी बात ये भी बता दो बेटा कि मेटल की नॉन मेटल, सर ये तो मेटल है, वाई, बिकॉज डेट हैव द पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है बेटा, जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा डेट इज द मेटल, मेटल की ये पहचान है बेटा कि जिस पे भी पॉजिटिव होगा वो मेटल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा हमने, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमने एक बात बोला था आपसे कि आपके 10th के जितने चैप्टर हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड्स एंड बेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये सब के सब इसी पर बेस होंगे। तो बेटा आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सारी क्राइटेरिया किसी भी एटम की आप यहां से बता सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के बारे में यहां बता सकते हैं। तो चलिए आप ये सीख गए कि सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलना है। सर यहां से हम चलेंगे 1s, 2s, 2p एंड 3s, कब तक चलेंगे, जब तक हमारा एटॉमिक नंबर पूरा नहीं हो जाता है। s में कितना, 2, s में कितना, 2, p में कितना, 6, और s में 2 होता है, 2 होता है बेटा, बट आई हैव रिमेनिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 3s में क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। क्लियर है, क्लियर एटम। आइए हम दूसरा एटम देखते हैं, दूसरा एलिमेंट देखते हैं।
सोडियम के बाद हमें 30 तक देखना है, 30 के अंदर हम लोग को बात करना है, 30 के अंदर बात करना है। तो द सेकेंड अगर हम बात करें सोडियम के बाद, अगर हम बात कर लें फास्फोरस की बात कर लें, अब फास्फोरस कितना होता है एटॉमिक नंबर 15 होता है, 15 की बात कर लिया जाए, चलेंगे फिर यहां से कहां 1s लेंगे, 1s 2, फिर क्या है 2s 2, 2p 6, 3s 2, कितना हो गया एक बार ऐड कर लें 2 2 4 6 10 एंड 2 12, अभी हमारे पास 3 बचा है, और 3s के बाद क्या है 3p है, और p में कितना भरते हैं 6, लेकिन आपके पास कितना बचा, आपके पास केवल 3 बचा, यू हैव ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, देन हियर इज द 3 2 4 10 12 and now 15, देन इन फर्स्ट सेल 1 इज द फर्स्ट सेल एंड फर्स्ट सेल इज व्हाट दैट इज द k, हियर इज द 2 इलेक्ट्रॉन इन k, दिस वन द सेकंड सेल 6 2 8 l एंड दिस वन थर्ड इट इज ऑल्सो थर्ड 3 2 5, तो के एल एम, एम में हो गया 5। बेटा आप क्या बताए थे कि अगर 1 2 3 आएगा 4 आएगा उसकी बैलेंसी वही हो जाएगी, 5 आ गया तो क्या करोगे, अगर आउटर सेल में दिस वन द आउटर सेल या उसको बोलते हैं वैलेंस सेल, क्या बोलते हैं वैलेंस सेल, और जिसमें वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इस आउटर सेल में अगर 5 आ गया तो हर एक एटम, हर एक एलिमेंट स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहता है, आक्टेट पूरा करना चाहता है, क्या चाहता है कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो बेटा ये अब इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, ये आक्टेट अगर 5 आ गया तो 8 पूरा तो करना चाहेगा, लेकिन कैसे पूरा करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को लेके पूरा करना चाहेगा, देगा नहीं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होगी बेटा, इसलिए देने की जगह वो क्या करेगा लेना चाहेगा, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो फास्फोरस पे अगर हम बात कर लें, इसके वैलेंसी की बात कर लें, इसके वैलेंसी की, तो क्या बोलेंगे 3 बोलेंगे, -3 नहीं लिखेंगे, माइनस मन में रखेंगे कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन माइनस वैलेंसी के साथ प्लस या माइनस यूज नहीं करते हैं, तो 3 हो गया बेटा, 3 हो गया। अब हम बात कर लेंगे कैसे लिखेंगे इसको फास्फोरस पे, पी यहां पे जब इसको लिखेंगे तो -3 लिख देंगे, यहां पे पी पे हम -3 लिख सकते हैं, और मेटल है कि नॉन मेटल, तो अभी आपने बोला कि अगर 1 2 3 है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो डेट हैव द पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा मेटल होगा, बट डेट हैव द 3 माइनस, डेट हैव द माइनस चार्ज, एंड डेट माइनस चार्ज व्हाट्स मेटल और नॉन मेटल, दैट इज द नॉन मेटल, ये नॉन मेटल हो जाएगा बेटा। तो क्या क्या बता दिया आपने फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको जरा सा भी नहीं सोचना है कि सर पहले में कितना इलेक्ट्रॉन हमको रखना है, दूसरे में कितना रखना है, तीसरे में कितना रखना है, ये नहीं सोचना है, ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये खुद बताएगा कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम Fe26 का, और ये यहीं से परेशानी हो जाती है बच्चों को कि सर Fe26 का करना है कैसे होगा, जरा देखिए पूछते हैं कि क्या होगा, तो बच्चा शुरू करता है 2 से कि सर 2 होगा 8 होगा, लेकिन थर्ड वाले में सोचने लगता है, कहता है 8 रखता है तो फिर आगे गड़बड़ हो जाता है, तो सोचने लगता है कि सर 8 रखें कि 10 रखें कि 15 रखें ऐसा कुछ, लेकिन अगर आपको ये आ गया है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचेगा, ये आपको देगा, ये खुद कहेगा कि पहले में इतना रखो, दूसरे में इतना रखो, तीसरे में इतना रखो, ये खुद बोलेगा। आइए देखते हैं Fe26 का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 एंड
3P6 4S2। लाइन से चलना है बेटा, 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2। कितना हो गया जरा ऐड कर लो, 2 2 4 6, 10 हो गया, 12 18 20, एंड हियर यू हैव ओनली 6, सो 3D6। देन इन द फर्स्ट सेल देयर इज द 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स नेम इज द K। इन सेकेंड सेल 8, दैट इज द L। थर्ड दिस वन, थर्ड दिस वन, एंड ऑल्सो दिस वन, हाउ मेनी, 6 6 एंड 2, यानी 14 हो गया बेटा यहाँ पे। और लास्ट में कितना हो गया, 2 हो गया, जिसका नाम आप N दोगे। तो ये 14 आपको वो पता नहीं चल पाता है बेटा, अगर आप 2N स्क्वायर से करते हो तो ये क्लियर नहीं कर पाते हो कि क्या रहना चाहिए। तो ये तो क्लियर कर दिया इस लाइन ने, एक लाइन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किस सेल में कितना होगा। अच्छा, इसकी आप वैलेंसी बता दो, वैलेंसी तो आप खुद बता दोगे, सर आउटर सेल में 2 है इसलिए 2। तो बेटा इसकी वैलेंसी, आयरन की वैलेंसी की बात करें तो 2, क्यों, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्लियर ही हो गया। अब क्या है, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। अभी बोला था कि अगर 1 2 3 है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, तो लूज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इट हैव द पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है क्या बोलते हैं उसको आप, मेटल। सर ये मेटल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से आयरन का भी क्लियर हो गया। तो अब 30 तक किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप जो है किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आसानी से निकाल लेंगे। एक और आपको लास्ट बता देते हैं कि कैसे करेंगे, लास्ट का भी बता दें, एंड डेट इज़ द ZN 30। चलिए चलते हैं, कैसे चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, पहला 1s2 क्योंकि 1s है, सेकेंड वन 2s देन 2s2, थर्ड वन 2p6, थर्ड नेक्स्ट 3s2 3p6 4s2 एंड लास्ट में डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बोला था आप, तो 2 यहाँ पे ऐड कर लो बेटा, 2 2 4 6 10 12 18 20, हाउ मैनी, 10 10, कंप्लीट, यहाँ पे 10 हो गया बेटा। तो फर्स्ट में कितना हो गया 2, के में कितना, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दिस वन द सेकेंड क्या हो जाएगा 8 L, थर्ड एंड दिस वन ऑल्सो थर्ड, हाउ मैनी, 2 6 एंड 10, 18 18 M, and in the last cell how many, 2, and that is the N. What's its valency, what's its valency 2, because the valence electron is the 2. In outer cell there is also 2 electron, valence is 2. Metal or non-metal, positive or negative, sir 2 electron hai outer cell mein, to kya hoga, ZN having the 2 positive, and this one what, metal, this one what, metal. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा इस तरह से हम देखे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 तक बड़े आसानी से निकाल सकते हैं बेटा, रियली बिलीव मी, अगर आपको 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो सारी क्राइटेरिया किसी भी एलिमेंट का आप बता देंगे, और जब क्राइटेरिया बता देंगे बेटा, बैलेंसी बता देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव बता देंगे, मेटल नॉन मेटल बता देंगे, तो क्लियर है जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 10th के वो सब के सब इसी एक लाइन से क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगले में हम लोग ये देखेंगे, अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि
चैप्टर जो पढ़ेंगे, पहला चैप्टर शुरू करेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें कैसे इसका यूज है आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव तो सीख गए, कैटायन और एनायन तो सीख गए, तो सिंपल सी बात है रिएक्शन तो अपने आप ही आएगा, क्योंकि रिएक्शन कराते समय किसका ध्यान देना होता है, वैलेंसी का। कोई भी रिएक्शन कब होगा, जब उसकी वैलेंसी क्लियर होगी, और वैलेंसी आप जानते होंगे तो बड़े आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। क्लियर है बेटा? अच्छा, साथ ही साथ ये भी हम देख लें, अगर हम किसी रिएक्शन की बात कर लें तो रिएक्शन में कुछ हमारे निगेटिव जो हैं, जिसको हम एनायंस बोलते हैं, वो भी साथ में आ जाते हैं, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर हम सिंपली बोल दें बेटा कार्बोनेट का, कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, दिस वन, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये कार्बोनेट पे टू चार्ज टू माइनस कहाँ से आ गया, सर ये सल्फेट पे टू माइनस क्या हो गया, कैसे हो गया, फास्फेट पे तीन माइनस कैसे आ गया, तो बच्चा क्या करता है ना, कंफ्यूज हो जाता है। आपको नहीं होना है, आपको नहीं होना है, क्यों, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी तरह से आ गया है। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसको जरा देख ले कि सर कार्बोनेट पे टू माइनस ही क्यों होता है, सल्फेट पे टू माइनस क्यों होता है, फास्फेट पे थ्री माइनस क्यों होता है। बच्चा क्या करता है ना, जब प्रैक्टिकल होता है उनका, वाइवा होता है, तो याद करके जाते हैं सल्फेट पे टू माइनस, फास्फेट पे थ्री माइनस, और रास्ते में जाके फास्फेट पे दो माइनस हो जाते हैं। और कहीं एग्जामिनर पूछ दिया कि फास्फेट पे कितना चार्ज, बच्चा याद करके गया है, बोलता है कि सर थ्री माइनस, एग्जामिनर डांट देता है थ्री माइनस होता है, तो तुरंत कम कर देते, कहेंगे सर टू माइनस। तो ऐसा आपके साथ ना हो कि थ्री को आप टू कर दें या टू को आप थ्री कर दें, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप बड़े आसानी से क्लियर करोगे। और अगर एग्जामिनर डांटेगा तो आप बताइएगा कि सर आइए हम आपको एक तरीका बताते हैं, आप खुद भी सीख लीजिए, बच्चों को अपने बताइएगा। आइए देखते हैं कैसे। देखो बेटा, हम पहले कार्बोनेट की बात करते हैं, कार्बोनेट की बात करते हैं कि कार्बोनेट पे कितना चार्ज होगा। कार्बन को ले लो बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, यस, इन फर्स्ट सेल हियर इज द 2, इन आउटर सेल हियर इज द 4, इट मींस कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। एक बात याद रखो बेटा, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की दो तरह की वैलेंसी होती है, एक मिनिमम वैलेंसी और एक मैक्सिमम बैलेंसी। याद रखो बेटा, मिनिमम बैलेंसी, अभी हमने जितनी बैलेंसी आपको बताया कि 1, 2, 3 होगा तो रिलीज करेगा और वो पॉजिटिव चार्ज लेगा, 5, 6, 7 होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो यहाँ पे वो मिनिमम बैलेंसी थी। और मैक्सिमम बैलेंसी क्या होती है बेटा, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसकी मैक्सिमम बैलेंसी होती है। याद रखेंगे कि किसी भी एटम की दो बैलेंसी होती है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का मिनिमम भी 4 होगा और मैक्सिमम भी 4 होगा। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें जरा बेटा, जरा देख लो, तो 1s2, 2s2 एंड 2p4, फर्स्ट सेल 2 एंड इन सेकेंड सेल हियर इज द 6, व्हाट्स इट्स मिनिमम बैलेंसी, इसकी मिनिमम बैलेंसी कितनी होगी, सर मिनिमम बैलेंसी इसका 2 होगा। लेकिन मन में रखे हैं -2, मन में क्या रखे हैं -2। और इसकी अगर मैक्सिमम बैलेंसी पूछा जाए बेटा, मैक्सिमम बैलेंसी, तो मैक्सिमम बैलेंसी आप बोलेंगे कि सर इसका 6 होगा, और 6 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा 6 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हमें कार्बोनेट बनाना है, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, कार्बोनेट की बात करनी है हमें, तो कैसे हम लेंगे जरा देखिए, कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट की बात करेंगे तो CO3। अब इसमें इसकी मिनिमम कितनी है बेटा, 4, मैक्सिमम कितनी है, 4, O की मिन
CO 3 की बात करनी है, तो O का मिनिमम कितनी है बेटा? मिनिमम O का 2 और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 6 है। ये बात क्लियर है? ये जो 2 है बेटा वो किस में है? माइनस में है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये क्या, यहां पे क्या है बेटा? माइनस, यहां पे 4 है। अगर लेगा तो भी 4 और देगा तो भी 4। तो हमें क्या देखना है बेटा कि जो निगेटिव होगा उसका हम निगेटिव वाला ले लेंगे और जो पॉजिटिव होगा उसका हम पॉजिटिव। मतलब कहने का कि दोनों में रिलेशन, दोनों में हम देखेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा निगेटिव है तो उसका निगेटिव वाला ले लेंगे और जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव ले लेंगे। तो जैसे बेटा निगेटिव की बात कर लो, जैसे अगर हम फ्लोरीन की बात कर ले, फोन की बात कर ले बेटा, फोन जानते हो ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसको हम बोलते हैं बेटा फोन। ये केमिस्ट्री के सबसे बड़े इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखते हैं। इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होता है बेटा, ऑक्सीजन का 3.5 होता है और N का 3 होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब अट्रैक्ट करने का पावर। ये बेटा ये बात समझना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मीन्स अट्रैक्ट करने का पावर। तो ये अट्रैक्ट करने का पावर क्या है? इनके पास सबसे ज्यादा है। तो बेटा अगर हम C और O में बात करें तो निगेटिव कौन? O होगा, O होगा। तो O का कौन सा लेंगे? ये 2 वाला, 2 वाला। और इसका क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव वाला लेंगे। इसका क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या है बेटा? इसका 4 है, इसका तो नेगेटिव भी 4 है, तो पॉजिटिव हम ले लेते हैं 4। चलो तो इसका 4 लिख दो बेटा। C का कितना? 4। और O का कितना है? हम यहां पे माइनस लेके चलते हैं, माइनस, लेकिन बैलेंसिंग माइनस लिखते नहीं है, लेकिन यहां पे सॉल्व करने के लिए माइनस रखेंगे, याद रहे, माइनस लेके चलते हैं बेटा। और इसके पॉजिटिव को हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। तो माइनस 2 है और इसका क्या है? 4 है। तो माइनस 2 को 3 टाइम्स लोगे तो कितना आएगा बेटा? 2 3 जा 6, what? -6। और -6 means what? 4 में से 6 माइनस करो बेटा, क्या आ जाएगा? CO3 पे -2 होगा। इट इज क्लियर? CO3 पे -2 कहां से आया? क्लियर हो गया, मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंसी से। एक और देख लेते हैं बेटा, एक और देख लेते हैं। सल्फेट का देख लिया जाए, सल्फेट का SO4। तो सल्फर की बात कर लिया जाए, 16। जल्दी से बोलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। 6 होता लेकिन आपके पास 4 बचा, 2, 2, 4, 10, 12 एंड 16 हो गया। फर्स्ट में 2, सेकेंड में बेटा 8 एंड थर्ड में 6, 6। मिनिमम वैलेंसी बोलो, मिनिमम वैलेंसी बोलो कितना? -2। मैक्सिमम वैलेंसी बोलो, मैक्सिमम वैलेंसी बोलो बेटा कितना? +6। ये याद रखो। और O क्या है? O का तो अभी हम लोग निकाले थे, O का भी हम लोग निकाले थे, तो SO4 का हम पता कर रहे हैं बेटा। S का कितना बेटा बोल दो जरा? तो मिनिमम S का -2, मैक्सिमम +6, O का मिनिमम -2, मैक्सिमम कितना? +6। ओहो, दोनों का सेम आ गया। लेकिन बेटा आपको पता है कि केमिस्ट्री में दूसरा रैंक रखता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन इस सल्फर के कंपेयर में निगेटिव है, तो इसका हम कौन सा लेंगे? निगेटिव। पॉजिटिव इसका मिटा देंगे, और इसका कौन सा लेंगे? पॉजिटिव। निगेटिव इसका मिटा देंगे तो क्या मिलेगा बेटा जरा बता दो? एस पे +6 और ओ पे कितना है? -2। और कितनी बार? 4 टाइम्स है, तो 4 2 जा 8, तो 6 - 8 क्या आ गया? SO4 पे 2 माइनस आ गया। क्लियर है? एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं जो आपको कंफ्यूजन करता है, कंफ्यूज करता है, कंफ्यूजन में डालता है। PO4 पे 3 माइनस होता है। आइए देखते हैं कैसे 3 माइनस होता है। फास्फोरस 15, यस सर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। देन हियर इज द 2, 8 एंड 5। मिनिमम वैलेंसी कितना?
माइनस थ्री, मैक्सिमम वैलेंसी कितना प्लस फाइव, ओके। और किसके साथ है बेटा, ओ के साथ है, ओ के साथ है, तो ओ के बारे में तो आपको पता ही है, ओ का तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो पी का बेटा बोलो, पी का माइनस थ्री, मैक्सिमम प्लस फाइव, ओ का क्या निकाले थे मिनिमम अभी माइनस टू, मैक्सिमम प्लस सिक्स। लेकिन बेटा पी और ओ में ज्यादा निगेटिव कौन, ओ निगेटिव है, तो क्या लेंगे इसका निगेटिव लेंगे, पी का क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो आ जाओ पी पे क्या होगा प्लस फाइव और ओ का माइनस टू, कितने टाइम्स है फोर टाइम्स, तो फोर टू जा एट, फाइव माइनस एट, सो पीओ फोर हैव द थ्री माइनस। तो बेटा किसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जान गए, आपसे पहले ही बोला था बेटा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो पूरे चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाएंगे, यू चुटकी में तैयार कराएंगे आपको अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया तो। तो बेटा आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज बस यही करते हैं, अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे आपका पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कैसे, इस पर डिपेंड करता है जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज सीखे हैं। मज़ा आया, थैंक यू, ओके।